हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोत। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मैं एक किचन सिंक का पास हूं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये एरिया जो सिंक का जो ये ग्रेनाइट सिंक है, ये स्टील सिंक नहीं है, ये ग्रेनाइट सिंक है। ये जो गैप है जो सिंक और प्लस ग्रेनाइट ये जो बीच का जो जॉइंट है, ये जो गैप है, ये गैप में कभी भी बर्तन धोने का टाइम अगर इसमें पानी गया तो नीचे दीवार वेट करता है। देखो किस तरह का ये नीचे जो है किस तरह का वेट हुआ है। तो हमको अभी क्या करना है, इसको फिलिंग करना है। इसको ये जो साइड साइड में और ये वॉल टाइल्स प्लस ग्रेनाइट ये दो जो कॉर्नर है, इसको हम कौन सा मटेरियल डालेंगे जो कि सालों साल रहेगा, जो निकलेगा नहीं, क्योंकि व्हाइट सीमेंट भरे तो निकल जाएगा। तो इसके लिए मैंने मेटल पेस्ट लिया हूँ। ये जो है मेटल पेस्ट है और उसका साथ एक ऑर्डनर आता है। ये दोनों को मिक्स करने के बाद जाके ये काम आता है। और ये है ऑर्डनर और ये है मेटल पेस्ट। अभी हम उसको मिक्स करके इसको अप्लाई करेंगे ताकि ये लीकेज बंद हो जाए। कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया तो आपको आपका किचन सिंक में, चाहे ग्रेनाइट का होने दो चाहे स्टील का होने दो, जब भी गैप हो जाता है तो इसी मेटल पेस्ट में इसको पैक करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको पैक किया जाता है। अभी फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो मेटल पेस्ट है इसमें मैं थोड़ा सा लेता हूँ, ये व्हाइट कलर का है। दो तरीका आता है, एक व्हाइट आता है और एक ग्रे कलर का, जो अपना ग्रीन कलर का आता है। तो अगर आपको इस तरह का कलर जो है कॉम्बिनेशन करना है तो इसका ग्रेनाइट का कलर के हिसाब से मिक्स करना है, तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑक्साइड जो है आपको ब्लैक ऑक्साइड लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये मेटल पेस्ट में मिक्स करना पड़ेगा। तो जब भी आप मेटल पेस्ट नया लेते हो, अप्लाई करने से पहले इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है और दूसरा जो ऑयल जो है ऊपर आ जाता है, जो लिक्विड है वो ऊपर रहता है। हम अगर इस तरह का इसको मिक्स कर देंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये इस तरह मिक्स करने के बाद जाके थोड़ा सा आपको जितना चाहिए निकालना है। मेरे पास तो ये जो है 1 किलो का डिब्बा है। अब हमारे को 1 किलो तो यहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। तो हमको क्या करना है, पहले मिक्स कर देना, क्योंकि ज़्यादा दिन बैठने के वजह से ये क्या होता है, नीचे घट्ट होकर बैठ जाता है और ऊपर का जो लिक्विड है वो ऊपर रहता है। लिक्विड अगर मिक्स नहीं हुआ तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए पहले आपको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देना, उसके बाद आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको मेटल पेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आपको ब्लैक करना है तो ऑक्साइड मिक्स करना, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मेरे को इतना ही चाहिए, पहले तो मैं इतना ही मिक्स करूँगा उसको और थोड़ा सा ले लेंगे। इस तरह का थोड़ा सा लेने के बाद आपको क्या करना है, जो ऑर्डनर है कभी भी ध्यान रखना, ऑर्डनर को मिक्स करने का टाइम में थोड़ा सा टेक्निक चाहिए, क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा मिक्स कर दिया तो ये तुरंत टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे को सिर्फ 5 मिनट का अंदर इसको जो है साइड का और इसको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे को क्या है, ऑर्डनर को जो है हम इतना ही मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी इसको अलग से रखना है। पहले आपको क्या करना है, एक पोटी ब्लेड लेना, ये पोटी ब्लेड है और इस तरह का मैंने 3 इंच का 4 इंच का मिलता है। आपको पहले इसको थोड़ा सा अच्छा से मिक्स कर देना ताकि ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा से अगर मिक्स नहीं हुआ तो हम ऑर्डनर डाल के अगर हम इसे मिक्स करता रहेगा तो टाइट हो जाएगा। हो चुका है ये, अभी मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ऑर्डनर को जो है मिक्स कर देंगे उसके साथ है। ये दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। ऑर्डनर अच्छा से मिक्स हुआ तो जाके ये अच्छा से काम करेगा। आप लोग बहुत सारी कमेंट करते हो कि मेटल पेस्ट टाइट नहीं होता, निकल जाता, लीकेज होता। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा जो है ऑर्डनर जो है ठीक से मिक्स करके थोड़ा सा ऐसे ही पट्टी ब्लेड में अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं जगह नहीं है तो आप एक टाइल्स टुकड़ा ले सकते हो। मैं तो फिलहाल ये ग्रेनाइट में लगा रहा हूँ, तुरंत इसको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो व्हाइट व्हाइट बैठ जाएगा। देखिए ये ऑलरेडी मिक्स हो चुका है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैंने देखिए इस मशीन के जरिए मैं इसको ऑलरेडी ड्राई कर दिया हूँ। साइड साइड का जो है ये हीटिंग गन से मैंने ड्राई कर दिया हूँ। अब ड्राई अगर पानी रहा तो इसका गैप में ये ठीक से पकड़ेगा नहीं। तो पहले इसको थोड़ा सा अच्छा से ड्राई कर देना, ड्राई करने के बाद फिर आप उसको अप्लाई करना है। देखिए ये अच्छा से इसको 2-3 बार ऐसे रगड़े तो उसका अंदर तक जाएगा प्रेस होके। क्योंकि जितना इसको दबा के करोगे ये सीधा अंदर जाएगा। पहले हम बाद में इसको साफ करेंगे, हमारे को ये साइड साइड में फिंगर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो साइड साइड के लिए फिंगर ही लगा सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर में जाएगा नहीं। इसी तरह का मैंने मिक्स नहीं किया इसलिए ऑर्डनर, क्योंकि इधर व्हाइट टाइल्स है वो भी थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा, क्योंकि इसको इसी तरह का आपको लगाना पड़ेगा, फिंगर में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर में घुसेगा नहीं। तो देखिए इसी तरह का जो है आपको फिंगर में लगा देना और बाकी जो एक्स्ट्रा लगा है उसको तुरंत साफ करना पड़ेगा, नहीं तो टाइट हो जाएगा। चलिए मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ।
आपको इस तरह का जो एक्स्ट्रा लगा है आपको तुरंत साफ करना पड़ेगा। ये साफ नहीं करे तो इस तरह का रुक जाएगा। ये पट्टी ब्लेड में ही साफ करना पड़ेगा क्योंकि जो ज़्यादा लग गया वो सभी निकलना है, नहीं तो वो बाद में नहीं निकलेगा। वॉल में भी देखिए, मैं कॉर्नर में फिंगर में लगाया, ये वॉल में भी एक्स्ट्रा जो लगा है वो आप उसको इसका निकाल देना। इस तरह का देखिए कितना इजी से निकल जा रहा है, अभी निकल देना है क्योंकि बाद में वो निकलेगा नहीं। देखिए ये लगा दिया, ये सिर्फ 15-20 मिनट नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा छोड़ना, आधा घंटे के बाद ये टाइट हो जाएगा क्योंकि जब भी लगाने के बाद तुरंत क्लीन कर देना। ये देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, अगर आपको चाहिए तो ऑक्साइड मिक्स कर सकते हो, नहीं तो ये चलेगा क्योंकि ये व्हाइट टाइल्स ज़्यादा था इसलिए अगर ब्लैक दिखता है इसलिए मैंने उसको ऑक्साइड मिक्स नहीं किया। यहाँ पर थोड़ा सा था इसलिए, चाहे तो आपको ब्लैक ऑक्साइड लगा दिया तो दोनों मैचिंग हो जाएगा, लेकिन ऑक्साइड लगाने से के बाद इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। इसी तरह का जब भी किचन सिंक का पास आजू बाजू में लीकेज होता है पहले साफ करो, उसके बाद पानी को पूरा ड्राई करो, ड्राई नहीं हुआ तो थोड़ा सा हीटिंग गन मार के उसको फुल ड्राई कर दो, उसके बाद इस तरह का मेटल पेस्ट मिला के उसको आप खुद लगा सकते हो। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना।